हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जिसे पूर्वोत्तर का गेटवे कहा जाता है। 90 के दशक के बाद इसके विकास में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। कोलकाता के बाद यह बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक शहर है। साथ ही इसे उत्तर बंगाल का अघोषित राजधानी भी कहा जाता है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से झांकती कंचनजंगा की चोटी इसकी भव्यता को चार चांद तो लगाती ही है। इसके आसपास के घने जंगल व बलखाते चाय के बागान इसके सौंदर्य को निखारते हैं। यह शहर टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। सिलीगुड़ी सबको पता है कि नेशनली एक बहुत ही अहम जियोग्राफिकल लोकेशन में स्थित है। पिछले कुछ साल से गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसके साथ साथ नॉर्थ बंगाल, पूरा नॉर्थ बंगाल रीजन एक इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट के लहर आ रहा है। एक तरफ से यह नेपाल व भूटान की सीमा से तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सच कहा जाए तो ये शहर किसी भी मेट्रो सिटी से कम नहीं है। There are lot of malls coming up. We have each and everything. एक छोटे शहर के हिसाब से जिस तरह का डेवलपमेंट सिलीगुड़ी में हो रहा है, ये काबिले तारीफ है। और एज अ रियल्टर आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क बिकॉज आर मोटिवेशन इज ऑलवेज ऑन हाई। द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ग्रोथ वी आर गेटिंग इज रियली हाई। आवर इन्वेस्टर्स आर हाई, आवर क्लाइंट्स आर हैप्पी। कहते हैं कि एक बार जो इस शहर में आ जाता है वह इसी शहर का होकर रह जाता है। यह शहर विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ हर धर्म व जाति के लोग एक साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। चाहे वो रेंशियल के मामले में देख लो, चाहे कमर्शियल मामले में देख लो, किसी भी मामलों में देख लो, ये डेवलपमेंट अभी रुकती भी नजर नहीं आती है। यही कारण है कि इसे मिनी इंडिया की संज्ञा से नवाजा गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक पहलू और प्राकृतिक सुंदरता सदा से आकर्षण का केंद्र रहा है। और सबसे बढ़कर हस्तशिल्प की उन्मुक्त संस्कृति इस क्षेत्र की विशेषता रही है। गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है और पूरे पहाड़ के लिए एक द्वार है कि अगर आपको गैंगटॉक, सिक्किम, दार्जिलिंग, कैलिंगपोंग, कर्शोंग कहीं भी जाना हो तो सिलीगुड़ी होकर ही आपको जाना पड़ेगा। एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक संकरी पट्टी जिसे आमतौर पर गलियारा या चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, ये है सिलीगुड़ी। நம்மள வந்து சிலிகுடி இது நம்மளோட சிலிகுடி இது எங்களோட சிலிகுடி இது நம்மளோட சிலிகுடி இது நம்மளோட சிலிகுடி இஸ் शहर की रफ्तार कभी नहीं थम सकती। ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। यदि मैं मेडिकल की बात करूं, सिलीगुड़ी में काफी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं और भी मेडिकल फैसिलिटीज सिलीगुड़ी में आ रही हैं। बाकी अपने आसपास जैसे हिल्स है, डुआर्स है, नेपाल है, भूटान है, वो सब एरियाज में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होने के वजह से मैक्सिमम लोग सिलीगुड़ी में आते हैं। सिलीगुड़ी में विगत वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में जबरदस्त उभार आया है। दरअसल सीमावर्ती राज्य होने के कारण आवागमन के दृष्टिकोण से यह शहर एक ट्रांजिट पॉइंट है। यही कारण है कि बड़े बड़े बिल्डरों ने यहाँ निवेश करते हुए बहुमंजिला आवासीय इमारतों को खड़ा किया है। रियल एस्टेट कारोबार की तरक्की ने यहाँ की धारा को बदलकर रख दिया है। ढांचागत उद्योग के रूप में काफी बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट के जरिए रोजगार के अवसर बने हैं। समझा जा रहा है कि भविष्य में इस क्षेत्र में अभी और बड़े कारनामे होने बाकी हैं। यह स्वाभाविक भी है। जहां विकास की रेखा आगे बढ़ती है वहां रियल एस्टेट अपने पांव पसारता है। जिस तरीके से सिलीगुड़ी में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है उसको देखते हुए यहां के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी काफी ग्रोथ नजर आई है। हम जैसे रियल्टर्स की भी
कहीं ना कहीं सर्विस को लेकर डिमांड बढ़ी है, तो उसी कड़ी में आरबी रियल्टर भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। आने वाले टाइम में करोड़ों स्क्वायर फीट का प्रोविजन सिलीगुड़ी में आ रहा है। जब रियल एस्टेट क्षेत्र ग्रो करेगा तो टूरिज्म ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। इस क्षेत्र में लघु व कुटीर उद्योग धंधा का अपना अलग जलवा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त श्रम बल और संसाधन मौजूद हैं, जिनमें कृषि, बागवानी, वन उत्पाद, रबड़, चाय, औषधीय पौधे, तेल आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं छिपी हुई हैं। एक ऐसी लोकेशन जहां पर आपको किसी भी जगह पे ऑल ओवर इंडिया या अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं जाना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी से उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसके आवागमन की सुविधा बहुत ही अधिक है। रोमन वास्तुकला से प्रेरित कई अविश्वसनीय नमूने यहाँ के धरोहर हैं। सिलीगुड़ी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, सिलीगुड़ी के सारी एडजॉइनिंग एरियाज काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफी ग्रो कर रही है। मेडिकल फैसिलिटी सिलीगुड़ी में काफी ग्रो कर रही है। यह दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र है। यहाँ पर्यटन उद्योग का विकास तेजी से होने के साथ ही अब भी पर्याप्त संभावनाएं बनी हुई हैं। पर्यटन के रूप में ग्रामीण, एडवेंचर, प्राकृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थलों का एक से बढ़कर एक नजारा इंसान को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाता है। सिलीगुड़ी कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन एवरीथिंग, इन रियल एस्टेट, इन MSME, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कुछ भी हो। सचमुच सपने सच भी होते हैं। एरिया सिलीगुड़ी आज से 6 वर्ष पहले हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जो है मनोज शर्मा जी ने इसका एक नींव रखा था। उसके साथ ही आगे बढ़ते बढ़ते ये आज 6ठा साल में अपना, जैसे हम कहते हैं बचपन में भी जब बच्चा पैदा होता है तो 6ठी जो होता है वो एक कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से एरिया 6 साल के पायदान पर अपना पैर जमा चुका है। इसीलिए तो न्यूज़ स्थान कहता है चले आइए सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी ते आशुम, प्लीज विजिट सिलीगुड़ी।